बॉलीवुड फिल्में इंडियन कल्चर को बुरी तरह तबाह कर रही हैं। जिस तरह मूवीज में स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन अपनी डिजायर्स के लिए चीट करना और इसके अलावा मिनिमल क्लॉथिंग को खूबसूरती दिखाया जा रहा है, इसमें मेजर फ्लॉज हैं। 2022 में रिलीज की गई मूवी वर्जिन भानुप्रिया में सिर्फ ये मैसेज दिया गया कि यंग गर्ल्स को अपनी वर्जिनिटी जल्द लूज कर देनी चाहिए। आप कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age, Roop. और यही नहीं, फोर्सफुली ही क्यों ना करनी पड़े, मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली इस मूवी में एक सीन है जिसमें एक्ट्रेस मेन लीड को सेक्स के लिए फोर्स करती हैं। भाई साहब यहाँ चल क्या रहा है? Having sex with multiple partners, having sex outside of the marriage, having a sugar daddy, ये सब कुछ इंडिया में कॉमन होता जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 40% इंडियन वाइफ्स अपने हस्बैंड के अलावा बाकी मर्दों के साथ रेगुलर इंटरकोर्स करती हैं, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 77% इंडियन वाइफ्स अपने हस्बैंड से सिर्फ इसलिए चीट करती हैं कि वो घर के कामों में उनकी मदद नहीं करते। मतलब कि क्या नॉनसेंस है ये। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 377 को खत्म करने के बाद इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेज में 45% इजाफा हो गया है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड इंडियन लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रही है। आइए इस वीडियो में बॉलीवुड को एक्सपोज करते हैं। बॉलीवुड हर साल 1500 से 2000 फिल्में बनाता है जो खूब पैसा छापती हैं, लेकिन इन फिल्मों का सोसाइटी पर कितना बुरा असर पड़ता है इस पर कोई बात नहीं करता। इन मूवीज की वजह से फैमिली सिस्टम तबाह होता जा रहा है और यंग गर्ल्स अपने पार्टनर्स के अलावा मल्टीपल पर्सन के साथ हुकअप कर रही हैं। पिछले साल ही रिलीज की गई मूवी थैंक यू फॉर कमिंग में भूमि का करेक्टर दिखाया गया जिसे ऑर्गेजम फील करना होता है और फाइनली वो कर भी लेती है, लेकिन जब उसकी दोस्तें उससे पूछती हैं कि वो लड़का कौन था, तब वो कहती है, मतलब कि इस मूवी से क्या सबक दिया जा रहा है कि अगर आपको ऑर्गेज्म अचीव करना है तो आप किसी के साथ भी सो जाएंगी। और इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 7 औरतें अपने हस्बैंड से सिर्फ इसलिए चीट करती हैं कि वो घर के कामों में उनकी मदद नहीं करते, जबकि ग्लीडन की रिपोर्ट के मुताबिक 55% कपल कम से कम एक दफा लाजमी चीट करते हैं और वो भी फिजिकली। और इस सर्वे में टोटल 55% लोगों ने आंसर किया जिसमें से 56% औरतें थी। इनफैक्ट 48% लोगों का तो ये मानना है कि एट अ टाइम दो लोगों से मोहब्बत करना पॉसिबल है, जबकि 49% मैरिड लोगों ने कन्फेस किया कि उनका अपनी बीवी के अलावा किसी और के साथ भी संबंध है, जबकि हर 10 में से 5 तो रेगुलर या फिर एक दिन छोड़ के कांड करते हैं। 2016 में रिलीज की गई शाहरुख खान की मूवी डियर जिंदगी में आलिया भट्ट जो करेक्टर परफॉर्म करती हैं उसमें वो अपने चाइल्डहुड लव पर चीट करती है और फिर फिल्म मेकर रघुविंद्रा के साथ हुकअप करती है। मैड हेवन, इस वेब सीरीज में लीड एक्ट्रेस तारा अपने ऑलरेडी एंगेज बॉस के साथ इंटरकोर्स करती है और फिर वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उस वीडियो से उसे ब्लैकमेल करती है कि वो अपनी शादी तोड़ दे। इस तरह की मूवी से क्या सबक दिया जा रहा है? इस तरह की मूवीज की वजह से इंडियन ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज में हैरेसमेंट बढ़ती जा रही है। ये आर्टिकल देखें जरा, एक लड़की अपने बॉस के साथ इंटरकोर्स करती है और उसे पता ही नहीं चलता। ये ग्राफ देखें जरा, 2021 के स्टैट्स के मुताबिक 78% वेल एजुकेटेड औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कायम करती हैं, बाकी आप पास करके पढ़ सकते हैं। बॉलीवुड मूवीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और चीटिंग को कैजुअली दिखाया जाता है। पिछले साल ही रिलीज की गई मूवी जी करदा में दिखाया गया कि एक्ट्रेस अपनी शादी में अपने हस्बैंड के दोस्त पर फ्लैट हो जाती है और फिर उसके साथ फिजिकल हो जाती है। सेम इसी तरह लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में फीमेल अपनी एंगेजमेंट के दौरान अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाती है। यही नहीं, अमेज़न की वेब सीरीज फोर मोर शॉट्स में धामनी अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी और के साथ फिजिकल हो जाती है। जब उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है तब वो कहती है कि तुम कितने जजमेंटल हो, तुम मुझे जज क्यों कर रहे हो, मतलब कि बेगैरती करके आप चौड़े हो जाओ। और इसके अलावा इन तीनों करेक्टर्स को मूवी में कहीं शर्मिंदा भी नहीं दिखाया गया, जबकि एशली मेडिसन के सर्वे में चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए जिसमें 76% औरतें और 71% इंडियन मर्द चीटिंग को बुरा ही नहीं समझते। और यही नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग मूवी का एक सीन है जिसमें बच्चों का प्ले चल रहा होता है और भूमि का करेक्टर प्ले करने वाली बच्ची सबके सामने चिल्ला कर कहती है कि बच्चे तो ऐसे पैदा नहीं होते, बच्चे तो सेक्स करके पैदा होते हैं। ऐसे नहीं होते बेबीज, पहले बॉयज गर्ल्स ना सेक्स करते हैं। क्या नॉनसेंस है ये। जब इस तरह की मूवीज फैमिली सिनेमा में बैठकर देखेंगी तो उसका बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ये डीएनए का आर्टिकल देखे जरा, बच्चों में पोर्न वाचिंग बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मूवी से क्या ताल्लुक। जब बच्चों को मूवी में सेक्स के रिलेटेड दिखाया जाएगा तो बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा होगी और वो फिर इंटरनेट पर सर्च करेंगे और ये उनके लिए हार्मफुल है अनटिल कि वो अडल्ट एज तक पहुंच जाएं। हाल ही में एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक ऑक्सफॉर्म इंडिया ने बॉलीवुड की 2009 से 2018 तक की मूवीज को स्टडी किया जिसमें 3 इडियट्स, दबंग 2, धूम 3,
और इसके अलावा चेन्नई एक्सप्रेस जैसी प्रोमिनेंट फिल्में थी। जिस सर्वे से ये सामने आया कि बॉलीवुड की 88% मूवीज में औरतों को नाइव मतलब कि बोली फ्रेजाइल और अनरीजनेबल दिखाया जाता है, और इसके अलावा इन मूवीज में मिनिमल क्लॉथिंग के कल्चर को प्रमोट किया जाता है। ऑलमोस्ट बॉलीवुड की हर मूवी में औरतों को सेक्सुअली पोर्ट्रेल किया जाता है, उन्हें मिनिमल क्लॉथिंग में दिखाया जाता है और इस मिनिमल क्लॉथिंग को औरत की खूबसूरती बनाकर पेश किया जाता है। इस तरह वुमेन की पिक्चराइजेशन के बाद इसके इम्पैक्ट को जानने के लिए ऑक्सफॉर्म इंडिया ने छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वे कंडक्ट किया, जिसके शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। 70% लोगों का मानना था कि बॉलीवुड में जिस तरह औरतों को दिखाया जाता है, एक्चुअल में औरतें ऐसी ही होती हैं। अंदाजा करें कि बॉलीवुड का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है लोगों पर। जब बॉलीवुड अपनी मूवीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चीटिंग को कैजुअली दिखाया गया और इसके अलावा LGBTQ भी, तो इसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना था कि बॉलीवुड की ऐसी मूवीज से दूर रहें जिसका आप और आपकी फैमिली पर बुरा असर पड़े, जैसे कि रिसेंट ही रिलीज की गई मूवी एनिमल, जिसमें औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट, चीटिंग और नोट छापने के लिए वायलेंस दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की सारी मूवीज ही खराब हैं। थ्री इडियट्स, 12th फेल जो रिसेंटली रिलीज की गई, इसके अलावा शाहरुख खान की मूवी जवान और डंकी, ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। और भी कई मूवीज हैं जिनका मैं इस वीडियो में नाम नहीं ले सकता। बाकी आखिर में बस ये कहना चाहूंगा कि एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखें, लेकिन ऐसी मूवीज से दूर हैं जिसका आपकी सोच पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े।